हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती है। चलो बढ़ाओ धीरे से, जाओ धीरे धीरे, खिसकाओ इसके, निकलते खिसकाओ, जाओ धीरे 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 धीरे, जाओ जाओ जाओ, लेफ्ट आओ हल्का लेफ्ट। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, हेलो गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? रूमा फातिमा। ओके, क्या कर रही हैं अभी आप? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कहाँ से? यूके से। ओके, तो वापस कब जाना है यूके? फिफ्थ मई। चलो प्लस दबा के सेकंड गियर करो, चेंज करो। तो दोस्तों आज इनका कौन सा डे है? सिक्स डे है, सिक्स। और अभी हम लोग आ गए हैं, धीरे धीरे बात करो, और हम लोग हैं आज गलियों में, हल्का लेफ्ट दबा के स्पीड कम। तो ऐसी गलियों में कार को हमें कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, जैसे लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट वाला जो व्हील है वो कहाँ पे चल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी। जो लेफ्ट साइड वाला मेरा व्हील है वो वाइट लाइन से करीब 2 फीट अंदर है। थोड़ा अरोमा, गाड़ी लेफ्ट दबाओ और थोड़ा लेफ्ट लेके आओ, हाँ बस इतना स्पेस है। अब अगर अपने फ्लैग रॉड को देखोगे तो सामने देखो रिक्शा खड़ा है, इसको जजमेंट करना है आपको कि जो रिक्शा है इस रिक्शे से और आपकी गाड़ी का जो बोनट है वो कैसे जज करना है। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट का सिग्नल दो और हाफ प्लस दबा के थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर टर्न करना स्लो करके, यहाँ से लेफ्ट चलना है, हाँ धीरे 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 टर्न करो और टर्न करो और टर्न करो, बस धीरे 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 धीरे। अभी लेफ्ट ही रखो गाड़ी, राइट नहीं लेके जाना, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे। अभी ब्लाइंड टर्न है, देखो यहाँ पे गाड़ी सामने से आ गई ना, तो ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। अगर थोड़ा सा आप अलर्ट रहोगे, अब जैसे ये गली आई, यहाँ से कभी भी कोई भी निकल सकता है, बाइक साइकिल बच्चा कोई भी, तो ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट रहना, ऐसी जगह पे एक बार हॉर्न जरूर बजाना है थोड़ा सा। और बिना क्लच के आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, 1-2% अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो ले सकते हैं। जाने दो धीरे धीरे, वापस लेफ्ट आओ, हॉर्न हल्का राइट रखो, बस धीरे धीरे, हाँ बढ़ाओ धीरे धीरे, गुड। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्लाइंड टर्न है, ज्यादा राइट चली गई गाड़ी। हमेशा अपना लेफ्ट ही दबा के टर्न करना, ताकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए ना तो वो डिस्टर्ब ना करे आपको। अगर आप ज्यादा राइट दबा के रखोगे तो फिर गाड़ी टकराने की उसमें आ जाएगी। लेफ्ट हमेशा मेंटेन करके चलना है, क्या मेंटेन करके चलना है? लेफ्ट साइड, ना कि राइट साइड, हाँ। और लेफ्ट आओ, अब लॉन्ग हॉर्न पुश करो, क्योंकि देखो सामने आ रहा है चौराहा, तो दोनों साइड से गाड़ियां निकल सकती हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से गाड़ी निकालना और सामने चलना है एकदम स्लो करके, हाँ। और लेफ्ट आओ हल्का, और लेफ्ट, और लेफ्ट आओ, बचाओ धीरे धीरे, जाने दो और लेफ्ट आओ, चलो वेरी गुड, छोड़ो क्लच ब्रेक, हाँ। अभी अपना लेफ्ट वाला आरबीएम बार बार चेक करते रहा करो, इससे ये पता चल जाएगा ना आपको कि आपकी गाड़ी के लेफ्ट साइड वाला जो आरबीएम है वो कितना लेफ्ट है और गाड़ी से कितना बाहर निकला हुआ है। तो इसके लिए लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा लेफ्ट आओ, आप लेफ्ट में ज्यादा जगह छोड़ के चल रहे हो, स्पीड कम, जाने दो धीरे धीरे, गुड। अभी आराम, अब यहाँ पे आपने क्लच नहीं लिया था, आपको 50-60% क्लच लेके फिर गाड़ी को निकालना था। गाड़ी दूसरे गियर में एक्टिव है ना, और दूसरे गियर में हल्का सा ब्रेक भी लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा ब्रेक लेके गाड़ी को निकालोगे तो बहुत आसानी से गाड़ी निकल जाएगी और कूदेगी नहीं। अभी आपने क्या करा ना, क्लच नहीं यूज किया, जिसकी वजह से गाड़ी उछल गई और उछलनी नहीं चाहिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, एकदम सीधा चलना है। अब एक टायर लेफ्ट से निकालो, एक टायर बच जाएगा, लेफ्ट लेके आओ, नीचे उतार लो, हाँ बस जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी सीधा चलना है, जाओ एकदम सीधा, हाँ। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, हाँ ये पहला लेफ्ट, ये धीरे 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 यहाँ से लेफ्ट, हाँ टर्न करो आराम से, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट दबा के राइट, और लेफ्ट आओ, और ब्रेक पे पैर रखो, हाँ स्लो करके यहीं से राइट जाना, टर्न करो,
सीधी करो, जाओ धीरे धीरे, हाँ हॉर्न, अभी यहाँ पे गाड़ी रोकना है और पूरा क्लच लेके ब्रेक लेना है, फिर गाड़ी को बैक करना है, पूरा क्लच दबाओ फुल और न्यूट्रल करो उसको, अब पूरा राइट दबाओ अपनी तरफ, ड्राइविंग पे ध्यान दो भाई तुम लोग, पूरा पूरा राइट दबाओ, पूरा राइट है, खींचो पीछे, हाँ छोड़ो, लग गया बैक गेट, ठीक, अब राइट वाला ओआरबीएम चेक करो और लेफ्ट वाला, और पीछे देखना है आपको, ठीक है, पीछे दोनों साइड लेफ्ट और राइट वाले और भी, पहले ब्रेक छोड़ो फिर धीरे से क्लच, साइड मिरर चेक करो, और ये लुकिंग ग्लास भी आप देख सकते हो, ये वाला, इसमें भी आपको बैक साइड दिखेगा, एकदम सीधा सीधा जाना है, दोनों साइड बराबर रहना चाहिए, लेफ्ट में भी और राइट में जो रोड है, रोड दोनों साइड आपके बराबर रहना चाहिए। बिना एक्सीलेटर चल रही है, हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ और थोड़ा लेफ्ट, गुड, और लेफ्ट आओ हल्का, हाँ अब हल्का सा राइट रखो, राइट छोड़ो क्लच, ब्रेक ज्यादा ले लिया आपने, ब्रेक नहीं लेना था, हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट पीछे कार आ रही, बस राइट रखो हल्का, राइट राइट जाने दो, हाँ जाओ हल्का लेफ्ट आओ, बस हल्का लेफ्ट, हाँ जाने दो, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, और पीछे मलवाए, राइट घुमाओ, राइट वापस, बस हाँ धीरे धीरे, अब पूरी राइट धीरे धीरे टर्न करना है, घुमाओ राइट, और घुमाओ, और घुमाओ, और बस जाने दो, अब सीधी करो स्टीयरिंग, और ये सीधी हो गई 3/9, अब ब्रेक छोड़ो और क्लच को रिलीज करो तो गाड़ी पीछे जाए, हल्का राइट रखो, राइट राइट और राइट, हाँ वापस लेफ्ट आओ, सीधी रखो, नजर कहाँ है आपकी, नजर कहाँ है, ऊपर वाले में, हाँ। अच्छा लुकिंग ग्लास में, लुकिंग ग्लास में, हाँ ठीक है, हमने तो ऊपर वाले में, जाने दो धीरे धीरे, अब देखो यहाँ पे आपको गाड़ी को रोकना है, पूरा क्लच दबा के धीरे से ब्रेक, गुड, अब इसको न्यूट्रल करो हल्के हाथों, पहला गियर करो, गुड, अब पहले ब्रेक को रिलीज करो, नॉर्मल रोड पे पहले ब्रेक छोड़ के फिर हाफ क्लच छोड़ के गाड़ी को बढ़ा सकते हो, अगर गाड़ी आपकी स्लोपिंग वाले एरिया में है तो पहले हाफ क्लच छोड़ो, फिर जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए फिर ब्रेक छोड़ना है, अगर पहले आप ब्रेक छोड़ दोगे तो गाड़ी पीछे चली जाएगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हल्का लेफ्ट आओ, अब यहाँ से राइट जाना, राइट का सिग्नल दो, अपने लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम को चेक करना, अब राइट वाला आरबीएम देखो, बस अब टर्न करो, इतना गाड़ी का हिस्सा आगे निकलने के बाद आप स्टीयरिंग को घुमा सकते हो, सीधी करो वापस, गुड, बढ़ाइए स्पीड, क्लच छोड़ो और अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, चलो चेंज करो, छोड़ो क्लच, हाँ क्लच फ्री कर दो, हॉर्न जाने दो धीरे धीरे, एकदम सीधा जाना है, अपने राइट वाली साइड से देख देख लो, कभी भी कहीं भी गाड़ियां आ जाती हैं, राइट का सिग्नल, हाँ स्लो करके हॉर्न बजा के यहीं से राइट, हाँ चलो टर्न करो, छोड़ो क्लच ब्रेक, फटाफट टर्न करो, रैंप है सामने देखो कितना ऊंचा, अभी सीधी कर लो, गुड, स्टीयरिंग को घुमाओ चाहे जैसे, सीधी करने के टाइम एकदम माइंड में आपके रहना चाहिए कि 3/9 कहाँ पे आएगा, अब बीच में ले लो इसको, दोनों टायरों के बीच में, हल्का लेफ्ट आ जाओ, अब यहाँ से राइट चलना है, हाफ क्लच लेके थोड़ा ब्रेक लेके लेफ्ट दबा के टर्न करो, गुड, और टर्न करो, और बस राइट ही रखो, राइट बस सीधी करो, बस आराम से, हाँ और लेफ्ट आओ, बस जाने दो धीरे धीरे, ब्रेक पे पैर रखो, हाँ स्लो करो, राइट यहीं से सीधा चलना है, सीधा वापस लेफ्ट आओ, लेफ्ट जाओ धीरे धीरे, बस सीधा सीधा सीधा, गुड बहुत बढ़िया, हल्का लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, गुड, अभी ये पहला लेफ्ट, यहीं से लेफ्ट चलना है आपको, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे, हाफ क्लच लेके, हाँ यहीं से लेफ्ट टर्न करो, चलो धीरे धीरे टर्न करो, गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया, अभी आराम से, हाँ अब यहाँ पे आपको भी गाड़ी को रोकना है, जब मैं बताऊंगा लास्ट में जाके फिर गाड़ी को रोकना है, बस स्टॉप करो, पूरा क्लच और ब्रेक स्टॉप हो गई,
और थोड़ा सा पहले गियर में आगे लो, थोड़ा पहला गियर करो, गाड़ी रोकने के बाद हमेशा फर्स्ट गियर थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, बस रोको पूरा क्लच ब्रेक स्टॉप। अब खड़ी गाड़ी बैक करनी है, अब इसको न्यूट्रल करो, अब बैक गियर डालो, पूरा खींच के अपनी तरफ, हो गया। अब राइट घुमा दो पूरी स्टीयरिंग 90 डिग्री से फुल। अब पहले ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच इस वाले मिरर को चेक करो, राइट साइड वाले को जाने दो, धीरे धीरे फुल घुमा के रखो स्टीयरिंग, हाँ धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, गुड गुड, जाओ जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो, जाओ धीरे धीरे, जाओ 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 और जाओ और जाओ और जाओ, पूरा क्लच ब्रेक स्टॉप। हाँ अब पूरा क्लच दबाओ, अब देखो आपके इस वाले मिरर में क्या दिख रहा है, अभी थोड़ा गाड़ी और पीछे जाती तो वॉल है। अब पहले पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाओ फुल। ब्रेक क्यों छोड़ रही हो, गाड़ी पीछे गड्ढे में चली जाएगी। अब फर्स्ट गियर में करो इसको, और ब्रेक नहीं छोड़ना है, अभी मैंने बोला था ना स्लोपिंग पे गाड़ी है तो क्या करना। अब पहले हाफ क्लच रिलीज करो, हाफ क्लच छोड़ो, अब ब्रेक छोड़ो, अब गाड़ी आगे बढ़ गई बिना एक्सेलेटर, थोड़ा सा और क्लच छोड़ो 1% बढ़ गई, वेरी गुड। अभी सीधी करो गाड़ी, आगे जाने दो और जाओ आगे, बस सीधी करो स्टीयरिंग, फिर रोको पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, समझ में आया खड़ी गाड़ी को कैसे टर्न करते हैं। अब वापस इसको न्यूट्रल करो, बैक गियर डालो खींच के, वैसे ही लग गया, वेरी गुड, लग रहा है ना मक्खन की तरीके। चलो अभी एकदम सीधा लेके जाना है गाड़ी रिवर्स में, हाफ क्लच छोड़ो, ढलान था एकदम धीरे धीरे, ज्यादा तेज नहीं, रिंगानी है धीरे धीरे। हाँ दोनों साइड मिरर चेक करना तो, ताकि दोनों साइड बराबर स्पेस, और धीमी चलाओ, थोड़ा क्लच दबा लो एकदम धीरे धीरे, हल्का लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट, हल्का लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट आओ, और धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करो, टर्न करो धीरे धीरे, हाँ जाने दो, बस चलने दो धीरे धीरे, राउंड अप हो रहा है ना, जाने दो और जाने दो, अब सीधी करो स्टीयरिंग, और बस 3 और 9 पे हो गई। चलो स्टॉप करो, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, वेरी गुड, न्यूट्रल करो गाड़ी, पहला गियर, चलो अब जाओ निकालो, आगे बढ़ाओ धीरे से, समझ में आया कुछ, सीखने को मिला, जाने दो धीरे धीरे, हाँ गुड। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।